इस ध्यान में मैं आपका स्वागत करता हूं। ये ध्यान की प्रक्रिया बहुत खास है क्योंकि हम हमारे मन के भीतर प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। मन के भीतर जाकर अंदर बसे भय, संकोच, घृणा इत्यादि नकारात्मक भावनाओं को बाहर निकालने का प्रयत्न करेंगे ताकि हम हमारे मन में शांति की स्थापना कर सकें। आप बिल्कुल शांत होकर बैठें, ध्यान रहे कि आपका शरीर बिल्कुल आरामदायक स्थिति में हो। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और आंखें बंद कर लें। धीमी और गहरी सांसें लेते रहें और अपनी सांसों के प्रति और इस क्षण के प्रति पूरी तरह से सजग रहें। प्रगतिशील और सुखी जीवन के लिए मन की शांति का होना अति आवश्यक है। जब मन शांत होता है तभी हम रचनात्मक, क्रिएटिव और प्रोडक्टिव हो सकते हैं। शांत मन ही सुखी जीवन का द्वार है। आज हम इस द्वार को खोलने का प्रयत्न करें, इसलिए मेरे साथ बने रहना और पूरी सांस लेना और पूरी सांस निकालना। अपनी चेतना को पैर से लेकर सिर तक और सिर से लेकर पैर तक घुमाते रहे, हर एक अंग से होते हुए अपनी चेतना को पूरे शरीर में घुमाते जाएं, हर एक अंग के प्रति सजग होते हुए ऊपर से लेकर नीचे तक, नीचे से लेकर ऊपर तक। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं, हर एक अंग के प्रति सजग होते जाएं, सर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सर तक अपनी चेतना को घुमाते रहे। ध्यान रहे कि कोई भी अंग ना छूटे, बिल्कुल सजग होते जाना, क्योंकि जैसे जैसे आपकी चेतना हर एक अंग से होते हुए गुजरेगी वो अंग बिल्कुल शांत होते जाएगा। गहरी सांस लेते रहे, पूरी सांस निकालते रहे, हर अंग के प्रति सजग होते जाए। इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराएं। चिंता चिता समान होती है, यह हमने अनेक बार सुना है, और चिंता ही अशांत मन का मुख्य कारण है। सब जानते हुए भी हम खुद को चिंता करने से रोक नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे मन का यह मूलभूत स्वभाव है।
आज प्रयत्न करेंगे कि हम हमारे मन का ये स्वभाव बदलें। इसलिए पूरी सांस लेते जाना, पूरी सांस निकालते जाना। चिंता कभी वर्तमान की नहीं होती, या तो वो भूत की होती है या तो भविष्य की। अगर हम हमारे मन की भूत और भविष्य में भटकने की आदत को बदलें, तो हम हमारे मन को चिंता से मुक्त कर सकते हैं। एक से पांच गिनते हुए सांस लेते रहें, एक से पांच गिनते हुए सांसों को रोक लें और एक से पांच गिनते हुए सांसों को निकालें। एक से पांच सांस लें, एक से पांच सांस रोकें और एक से पांच सांस निकालें। इस प्रक्रिया को 10 बार दोहराएं। पूरी सांस लेते रहें, पूरी सांस निकालते रहें। ये प्रक्रिया दोहराते रहे और मेरी आवाज के साथ बने रहे। एक से पांच सांस लेना, एक से पांच रोकना और एक से पांच निकालना। इसको करते रहें। प्रक्रिया करते रहें और मेरी आवाज के साथ बने रहें। हम जीवन में उन परिस्थितियों के प्रति और उन चीजों के प्रति चिंतित होते रहते हैं जो हमारे हाथ में ही नहीं। चिंता करने से चीजें ठीक नहीं होती, पर मन अशांत जरूर होता है। इस नियम को हमें समझना होगा। चिंता करने से चीजें ठीक नहीं होती, परिस्थितियां ठीक नहीं होती, लेकिन मन अशांत जरूर होता है। सांसों को साधने की प्रक्रिया हमें सीखनी होगी, क्योंकि अगर आपने अपनी सांसों को साध लिया तो मान लो आपने अपने मन को साध लिया। और एक बार अगर मन साध लोगे तो उसे भूत और भविष्य में भटकने से रोक पाओगे। फिर मन चिंतित नहीं होगा, अशांत नहीं होगा। सांसों की प्रक्रिया चालू रखें। एक से पांच सांस ले, एक से पांच सांस रोके, एक से पांच सांस निकाले। सांसों को साधने की पहली सीढ़ी है उसके प्रति सजग हो जाना। मुश्किल की घड़ी में, चिंता के वक्त सांसों के प्रति सजग हो जाना। जैसे सजग हो जाओगे मन तुरंत वर्तमान में आ जाएगा। जैसे वर्तमान में आ जाएगा वो बिल्कुल शांत हो जाएगा। पूरी सांस ले और पूरी सांस निकाल।
अब पूरी सांस लेना और गति के साथ उसको बाहर निकालना है। जब ऐसा लगे कि पूरी सांस बाहर निकल गई हो तो वापस मत लेना, उसको रोक देना, रोके रखना, और तब तक रोके रखना जब तक मन थोड़ा बेचैन ना हो जाए। और फिर जब रोक ना सको तो उसके बाद पूरी सांस भर लेना। इस प्रक्रिया को शुरू करें, पूरी सांस लें, पूरी सांस बाहर फेंकें, तब तक निकालते रहे जब तक लगे नहीं कि अभी कोई सांस बची नहीं है अंदर। उसके बाद खाली पेट सांस को रोके रखें, तब तक रोके रखें जब तक और उसको ना रोक पाओ, जब तक मन बेचैन ना हो जाए, और उसके बाद पूरी सांस भर लेना। पूरी सांस लें, पूरी सांस बाहर निकालें, सांस रोके, और सांस रोकने के वक्त इस वाक्य को बार बार दोहराएं, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं। अपने मन में दृढ़ निश्चय के साथ इसको दोहराते रहें, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं। मान लो जैसे कि आप अपना एक संकल्प बना रहे हो, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं। जब तक हो सके अपनी सांसों को रोके और फिर पूरी सांस भर ले। पूरी सांस लें, पूरी सांस निकालें, सांसों को रोके और इसको मन ही मन दोहराए, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं, मैं अपनी सांसों को साधना चाहता हूं। इस प्रक्रिया को करते रहें, पूरी सांस लें, पूरी सांस निकालें, सांसों को रोकें और अब इस वाक्य को दोहराएं, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं। दृढ़ निश्चय के साथ इस वाक्य को दोहराते रहें, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं, मैं अपने मन को साधना चाहता हूं। जब तक रोक सके तब तक रोके और फिर पूरी सांस भर ले। पूरी सांस भर ले, पूरी सांस निकाले, पूरी तरह से खाली हो जाए और निकालते रहें जब तक ऐसा लगे कि और सांस है, और निकालते रहें। उसके बाद खाली पेट सांस रोक दे और इस वाक्य को फिर दोहराए, मैं अपने मन को साधना चाहता, मैं अपने मन को साधना चाहता, मैं अपने मन को साधना चाहता। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराते रहें।
भूलना नहीं, इस प्रक्रिया को दोहराएं। बिल्कुल शांत हो जाएं और धीमी और गहरी सांसें चालू रखें। याद रखना, अगर मन को और सांसों को साध लिया तो चिंता मुक्त हो जाओगे। अगर मन और सांसों को साध लिया तो चिंता मुक्त हो जाओगे। अनुभव करें कि अंदर आती हुई हर सांस के साथ आप अपने मन में शांति की स्थापना कर रहे हो। हर एक अंदर आती हुई सांस के प्रति सजग हो जाएं और अपने मन में शांति की स्थापना होते हुए देखें। पूरी सांस लें, पूरी सांस निकालें। अपने शरीर के प्रति सजग हो जाएं, इस क्षण के प्रति सजग हो जाएं। अपनी उंगलियों को हिलाएं, मुस्कुराएं और जब मन करे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं।